आज हमारे साथ बॉलीवुड के वो फेमस अभिनेता मौजूद हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से तो हम लोगों का एंटरटेनमेंट किया है और जिनकी दमदार आवाज भी जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के फेमस एक्टर रजा मुराद जी की। रजा मुराद जी, सबसे पहले तो आपका R9 TV में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे तो पहले भी वार्तालाप हो चुकी है। सर, आज आप लखनऊ में मौजूद हैं, किस तरह से सर लखनऊ के लिए कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं तो एक शूटिंग के लिए आया हूँ, एक फिल्म है दुलारी, तो उसका लास्ट डे है शूट का। रजा जी, आज के सिनेमा को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप तो काफी पहले से इसमें काम कर रहे हैं और काफी बड़े बड़े दिग्गजों के साथ आपने काम किया है, या यूं कहा जाए कि आप भी एक बहुत बड़े सर दिग्गज हैं, तो कैसे देखते हैं सर आज के सिनेमा को? सर नहीं, अच्छा है, बहुत सी अच्छी तब्दीलियां आई हैं, जो पहले लोग हिम्मत नहीं करते थे। पहले कभी किसी जिंदा इंसान की बायोपिक नहीं बनती थी, आज जिंदा लोगों की बायोपिक बनती है। दुलारी में आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे सर, किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं सर? उसमें मैं एक बाहुबली पॉलिटिशियन है, जो कि अक्सर हुआ करते हैं, तो बाहुबली पॉलिटिशियन है, उसका रोल कर रहा हूँ। आप लगता है सर आपको आज के समय में ऐसी बुलंद वाली जो आवाज है जो आपकी है सर, वो होना मुश्किल है सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, कला हो, सुंदरता हो, आवाज हो, ये सब तो ऊपर वाले की देन होती है, बस उसका उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसने आपको कला से नवाजा है या उसने आपको अच्छी शक्ल से नवाजा है। सर एक बात आपसे और जानना चाहूंगा, आपका जो समय था सर, उसमें कहीं देखा जाता था कि जो विलन होते थे वो हीरो पे भारी होते थे और हीरो ये बात सोचने पे मजबूर हो जाता था कि इसमें फला विलन है तो हमारा रोल उतना पसंद नहीं किया जाएगा, लेकिन आज के समय में मूवीज में से वैसे विलन गायब हो गए हैं सर, क्या लगता है क्या कमी है सर? नहीं, विलन गायब नहीं हुए, हीरो विलन बन गए। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, एक्चुअली उस पिक्चर को मैंने भी देखा है, हालांकि तब मैं बहुत छोटा था और मैं तब भी आपका बहुत बड़ा फैन था और आज भी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बात कर रहा हूं राम तेरी गंगा मैली का, बहुत ही सर शानदार अभिनय था उसमें आपका। हम चाहेंगे सर उसकी कोई एक ऐसी बात सर जो आप शेयर करना चाहें, हालांकि काफी समय हो चुका है सर उस पिक्चर को आए हुए, कोई भी सर एक ऐसी बात, कोई ऐसी याद हो जिसे सर आप शेयर करना चाहें सर? देखिए मैं उस फिल्म से जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ हूँ, राज साहब की वो आखिरी फिल्म थी और उससे पहले मैंने उनके साथ प्रेम रोग में काम किया था, उनके बाद भी किया जब हिना बनी थी, तो मैं ही इंडस्ट्री का एक अकेला विलन हूँ जिसने 3 मुतवातिर फिल्मों में मेन विलन किया है। तो एक बात मुझे याद है, जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ तो राज साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और पार्टी चल रही थी फिल्म की रिलीज की खुशी में, और शम्मी कपूर साहब भी मेरे साथ खड़े हुए थे, तो एक बहुत अच्छा उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। अब पता नहीं मैं उस कॉम्प्लीमेंट के योग्य हूँ या नहीं हूँ, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट उन्होंने मुझे दिया था। उनका रजा साहब, मेरी 40 साल फिल्मी जिंदगी में मैंने जो सबसे 3 अच्छे एक्टर्स डायरेक्ट किए हैं उनमें से आप एक हैं, तो ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो हमेशा मेरे सीने से लगा रहता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया R9 TV से बात करने के लिए सर, और आपका भी शुक्रिया कि आपने मेरे दिल के तार छेड़ दिए जो बहुत दिनों से छिड़े नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे रजा मुराद जी, जिन्होंने अपनी राम तेरी गंगा मैली की यादों को भी शेयर किया और जिन्होंने लखनऊ पहुंचने पर बहुत सारी यादों को लेके हमसे बात की। उम्मीद करते हैं रजा मुराद जी ऐसे ही अपनी बेहतरीन आवाज से हम सबको हमेशा एंटरटेन करते रहेंगे। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, R9 TV लखनऊ।